ओके तो फर्स्ट लेसन में हमने सीखा था कि गिटार को ट्यून कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए मैंने सॉफ्टवेयर बताया था, तो उसमें अकॉर्डिंगली वो तुमने देखा कि उससे हम ट्यून कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैंने ओपन स्ट्रिंग्स के नाम तुम्हें लर्न करने को दिए थे वो भी हो गए, ई बी जी डी ए ई, ठीक है, ऑल सिक्स स्ट्रिंग्स के। फिर मैंने तुम्हें एक्सरसाइज दी थी राइट हैंड की, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, सारे डाउन स्ट्रोक्स देने हैं, फिर सारे अप स्ट्रोक्स, उसके बाद हर स्ट्रिंग को डाउन अप, ठीक है। तो अब जो हमारा लेसन है वो राइट हैंड से, अब उसमें हम लेफ्ट हैंड भी यूज करेंगे जो अब हमारा लेसन आया, ठीक है। तो फर्स्ट लेसन में सिर्फ हमने राइट हैंड सीखा, स्ट्रिंग्स के नेम सीखे, बॉडी पार्ट बताए मैंने तुम्हें सारे, है ना, कि ये स्ट्रिंग्स होती हैं, फ्रेटबोर्ड है, फ्रेट्स हैं, ट्यूनिंग कीज हैं। अब देखो इसमें जैसे तुम्हारी गिटार प्लेन है, इसमें साउंड होल है ना, देखो इसको साउंड यस बोलते हैं। तो ब्रिज आ गया जिसमें पिंज लगी हुई है, ये देखो सारी पिंज लगी हुई है, ठीक है। तो अलग अलग गिटार में अलग अलग तरीके से ये बनाया होता है सारा, क्लियर। उसके बाद अब जो हमारा लेसन रहेगा वो हमने, जैसे मैंने बताया हुआ है कि राइट हैंड ऑल्टरनेट पिकिंग करेगा, वो हमेशा डाउन अप ही चलता है, तो डाउन अप ही चलेगा, ठीक है। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड ऐड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड हम ऐड करेंगे, हम फोर फिंगर्स को यूज करेंगे, फर्स्ट फोर फिंगर्स, ठीक है। जो थंब है वो गिटार में जो फ्रेटबोर्ड है उसके पीछे रहेगा हमेशा, ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में, उसको टेढ़ा ऐसे लेटाना नहीं है पीछे से, ना ऐसे कुछ, ना नीचे से लेके आना है ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा सेंटर में रहेगा, जो हमारी फोर फिंगर्स है उसका सेंटर, जैसे ये फोर फिंगर्स है 1 2 3 4, तो इसके सेंटर में थंब रहेगा स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसे, ठीक है। तो जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो फिफ्थ फ्रेट से स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ फ्रेट किसको बोल रहे हैं हम, ये फर्स्ट फ्रेट हो गया, ये फर्स्ट बॉक्स फर्स्ट फ्रेट है, सेकंड बॉक्स थर्ड बॉक्स फोर्थ बॉक्स, ये फिफ्थ बॉक्स आ गया। तो ऐसे ये डॉट से भी तुम देख सकते हो, जो बीच में जो ये व्हाइट डॉट्स हैं, ये फर्स्ट डॉट जो होता है वो थर्ड फ्रेट पे है, सेकेंड डॉट जो है वो फिफ्थ फ्रेट पे है, ठीक है। तो फर्स्ट फिंगर रखनी है हमने फिफ्थ फ्रेट के ऊपर, और वो भी फर्स्ट स्ट्रिंग पे, फर्स्ट स्ट्रिंग नीचे से मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो नीचे से फर्स्ट स्ट्रिंग, फिफ्थ फ्रेट, फर्स्ट फिंगर, और थंब जो रखना है हमने वो सेंटर में रखना है। तो सेंटर इसका कैस कहां पे बनेगा, ये हमने फोर फ्रेट यूज करने हैं, 1 2 3 4, ये 1 5th फ्रेट, 6th फ्रेट, 7th फ्रेट और 8th फ्रेट। ये सेकंड फिंगर के बाद ये जो लाइन आ रही है इस लाइन के पीछे रहेगा थंब यहां पे, ठीक है, लेकिन स्टैंडिंग पोजीशन में बिल्कुल ऐसे सीधा, लेकिन इसको नीचे रखना है कि सामने वाले को अपना थंब दिखना नहीं चाहिए, ऐसे पीछे रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सामने थंब दिखना नहीं चाहिए, क्लियर। ओके तो यहां फर्स्ट फिंगर रखी है अभी, तो हम राइट हैंड से जो मैंने बताया कि ऑल्टरनेट पिकिंग करते हैं, तो फर्स्ट स्ट्रोक जो है वो डाउन ही देंगे हम, उसको प्रेस करना है स्ट्रिंग को, ठीक है। पहले देख लो उसके बाद प्ले करना, पहले समझ लो कैसे करना है। सो फर्स्ट फिंगर फिफ्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग राइट हैंड से डाउन स्ट्रोक, उसके बाद ठीक है सेकंड फिंगर रखनी है हमने 6th फ्रेट में, तो यहां पे अप स्ट्रोक, फिर थर्ड फिंगर रखेंगे हम 7th फ्रेट में, यहां पे डाउन स्ट्रोक, फिर फोर्थ फिंगर रखेंगे हम 8th फ्रेट में, यहां पे अप स्ट्रोक, ठीक है। तो फोर फिंगर्स मतलब फोर नोट्स, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर थर्ड फिंगर फोर्थ फिंगर, फिर उसके बाद राइट हैंड आएगा डाउन अप डाउन अप, ठीक है, ब्रिज के ऊपर ही याद रखना है ऐसे, और यहाँ पे ही एक्सरसाइज करनी है, थंब जो है वो पीछे रहेगा ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज बन गई, ठीक है। और जो फिंगर्स हैं वो साथ साथ में पीछे से उठाते जाना है, लेकिन उठाना उतना है कि ज्यादा वो फ्रेट बोर्ड से दूर ना जाए, ऐसे दूर नहीं लेके जाना, रहेंगी पास पास में, सो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो एक्सरसाइज है फर्स्ट तुमने क्या करना है कि इसी पे ही थोड़ी देर इसी फर्स्ट स्ट्रिंग पे ही इसकी प्रैक्टिस करते रहना अच्छे से। जब ये फर्स्ट स्ट्रिंग पे अच्छे से हो जाए
तो देन इसको सेकंड स्ट्रिंग पे हम शिफ्ट कर देंगे, फ्रेट्स यही रहेंगे, फिंगर्स यही रहेगी, लेकिन स्ट्रिंग जो है वो सेकंड स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, तो उस पे भी हम यही करेंगे। राइट हैंड से भी सेम ऑल्टरनेट पिकिंग डाउन अप डाउन अप की चलती रहेगी। जब इस पे हो जाए देन फिर थर्ड स्ट्रिंग, सेम एज इट इज फोर्थ स्ट्रिंग पे चले जाएंगे हम, फिर फिफ्थ स्ट्रिंग पे, देन सिक्स्थ स्ट्रिंग। ठीक है, ये ऑल सिक्स स्ट्रिंग्स हमने कवर करनी है, लेकिन फर्स्ट स्टेप हमारा है सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग। जब फर्स्ट स्ट्रिंग पे अच्छे पे होना स्टार्ट होएगा देन ही हमने सेकंड पे जाना है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके ऊपर जाते रहना। ठीक है, और जैसे जैसे हम इधर से स्ट्रिंग चेंज करेंगे हम इधर से भी स्ट्रिंग जो है वो चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड की फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो इसमें मेनली लेफ्ट हैंड ज्यादा यूज हो रहा है, राइट हैंड से जो हमने पहले सीखा हुआ है डाउन अप हम वही कर रहे हैं, और जब स्ट्रिंग चेंज होगी तभी राइट हैंड से स्ट्रिंग चेंज कर। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको बिल्कुल स्लो स्पीड में ही करना है, स्पीड के पीछे नहीं भागना कि पहले हम फास्ट करने पे नहीं जाना। पहले क्या करना है कि हमने जो नोट्स हैं वो अच्छे प्रॉपर हमें सुनाई दें। उसमें जैसे हमने फर्स्ट फिंगर रखी यहाँ फिफ्थ फ्रेट पे, तो इतना ध्यान रखना है कि उसको हम प्रेस करें ना कि उस पे टच करना है। अगर टच करेंगे तो म्यूटेड साउंड आएगी, साउंड नहीं आएगी, ऐसे म्यूट रहेगा नोट, जितना मर्जी उसको इधर से देखते रहो। तो हमने उसको प्रेस, देन साउंड आएगी। सेम एज इट इज सेकेंड फिंगर अगर लूज कर देंगे तो म्यूट रहेगी। ठीक है, थर्ड फोर्थ, मतलब कोई भी फिंगर हमने लगानी है तो उसको प्रेस करना है ना कि उसको टच करना है। ठीक है, और प्रेस उतना करना है जितना जरूरी है, बहुत ज्यादा हार्ड प्रेस भी नहीं करना, सुन लेना है कि कहाँ पे साउंड आ गई, उतना सा ही उसको प्रेस करना। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट राइट हैंड से भी जो स्ट्रोक्स देने हैं, अब यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग है राइट हैंड में, तो हमने स्ट्रोक दे के राइट हैंड को बहुत ज्यादा दूर नहीं लेके जाना, ऐसे दूर नहीं लेके जाना, अप स्ट्रोक देके ऐसे दूर नहीं लेके जाना। इसलिए राइट हैंड को हमने ब्रिज के ऊपर ही रखना है, ये जो पिन्स बनी हुई है इसके ऊपर ही रहेगा, मतलब जैसे हमने ये डाउन स्ट्रोक दिया तो स्ट्रिंग के पास ही रखा हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं पास में से दिखा देता हूँ, ये देखो ये पास में ही रहेगा ऐसे। ना कि ये ऐसे मारा हाथ उठा दिया, फिर ऐसे मार के हाथ उठा दिया, ऐसा कुछ नहीं, और ना ही हाथ स्ट्रिंग्स के ऊपर लेके आना है ऐसे कुछ, यहां पे रखना है बस इजिली। फिर इसको हर स्ट्रिंग पे हर फ्रेट पे ऐसे यूज कर। ठीक है, समझ आया ये सारा इतना? यस ठीक है, मतलब इजी एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज, लेफ्ट एंड राइट दोनों यूज हो रहे हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड को अच्छे से बिठा लो इस फ्रेट बोर्ड के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, देन राइट हैंड को यूज करना है। ठीक है, स्ट्रिंग्स के नाम याद रखने हैं हमेशा ही, उसको भूलना ही है। अगर मैं फर्स्ट स्ट्रिंग कहूं तब भी यही है, अगर मैं बोलूं ई स्ट्रिंग तो ये ई स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मैं बी स्ट्रिंग कहूं तो सेकंड इज बी। ठीक है, जी मतलब थर्ड जी। ठीक है, तो ऐसे ही फोर्थ डी होगी, फिफ्थ ए होगी, सिक्स्थ सिक्स्थ ई है। दोनों ई में कंफ्यूज नहीं होना, ई अगर लोअर ई की बात आए तो फिर सबसे ऊपर, लोअर ई मतलब बेस में है ना, ये लो नोट्स दे रही है तो लोअर ई बोला जाए तो ये, अदरवाइज फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर आया, समझ आ गया ना तुम्हें? यस हाँ, तो इतने की ही तुमने प्रैक्टिस करनी है, ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। इससे तुम्हारे फिंगर्स चलना स्टार्ट होंगी, यहाँ के मसल्स जो हैं वो अच्छे से बनना स्टार्ट होंगे, पिक जो हम राइट हैंड यूज कर रहे हैं। हाँ, और राइट हैंड में थोड़ा सा और बता दूं, इसमें जो रिस्ट यूज करनी है तुम्हें, अपनी फिंगर से नहीं प्ले करते रहना है, ऐसे रिस्ट को यूज करना है। डाउन अप जो भी स्ट्रोक्स ले रहे हैं, जैसे ये हम सिक्स स्ट्रिंग पे देख लेते हैं, तो यहाँ मैं रिस्ट से प्ले कर रहा हूँ। हाँ, रिस्ट यूज करके ब्रिज के ऊपर रख के। ठीक है, तो अभी क्या है, अब तुम वही एक्सरसाइज जो अभी मैंने बताई है फर्स्ट एक्सरसाइज वो करो थोड़ा सा।
और थोड़ा सा तुम या तो थोड़ा पीछे हो जाओ, तुम्हारा लेफ्ट हैंड मुझे दिखना चाहिए, फ्रेटबोर्ड मुझे नजर नहीं आ रहा प्रॉपर। हाँ तो दिखना चाहिए थोड़ा सा, या तो पीछे या थोड़ा सा आगे हो जाओ, शायद कैमरा तुम्हारा नीचे या फोन रखा हुआ। हाँ ऐसे ठीक रहेगा। हाँ तो फिफ्थ फ्रेट से स्टार्ट करना है, फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ ये है, लेकिन एक चीज और बता रहा हूं यहां पे, जब हमने ये एक्सरसाइज प्ले करनी है तो राइट हैंड से तो हम कुछ ज्यादा स्ट्रिंग्स चेंज नहीं कर रहे, वो एक ही स्ट्रिंग पे बैठे हुए हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग पे। ठीक है, तो राइट हैंड के लिए हमने जो हैंड रख दिया है यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग पे, तो हमने फिर कोशिश करनी है कि हम राइट की तरफ ना देखें। ठीक है, हमने फोकस करना है लेफ्ट हैंड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे फिंगर्स चेंज हो रही है ना, तो यहाँ पे अभी तुम्हारे लिए नया है फ्रेट बोर्ड, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट फिंगर फिफ्थ फ्रेट में आ गई, देन सेकंड कहाँ पे रखनी है, थर्ड कहाँ पे रखनी है, फोर्थ कहाँ पे। इधर से तो राइट हैंड है ही एक जगह पे, इधर अपनी सेंस को यूज करना है कि राइट हैंड एक जगह पे रख दिया, बस वो वहीं पे रहेगा, हमने इधर देखना नहीं है, बस एक बार देख लिया, बस रख दिया, बस उसके बाद सिर्फ लेफ्ट की तरफ। आवाज नहीं आ रही है। हाँ वो नेटवर्क का कोई शायद इश्यू होगा, अदरवाइज तो ठीक है, अभी आ रही है। यस हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जो हम राइट हैंड यूज कर रहे हैं उसकी तरफ हमने नहीं देखना, हमने लेफ्ट की तरफ ही देखना है। राइट हैंड को एक बार सेट कर दो बस ब्रिज पे, फर्स्ट स्ट्रिंग पे, बस उसके बाद सिर्फ लेफ्ट की तरफ देखो, और लेफ्ट की तरफ देख के ही तुम डिसाइड करोगे कि कौन सी फिंगर कहाँ पे जानी है। ठीक है, फर्स्ट कहाँ पे रखनी, सेकंड कहाँ पे रखनी, थर्ड देन फोर्थ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सिर्फ लेफ्ट की तरफ। ट्राई करो। म्यूट देखो लेफ्ट की तरफ से ही हो रहा है, उसको अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करो। प्रेस करो। बेटा थोड़ा थोड़ा सा मतलब हार्ड प्रेस करो, अभी जितना कर रहे हो उससे थोड़ा सा हार्ड करो ताकि साउंड आ सके प्रॉपर। प्रेस करो। नो, फोर्थ फिंगर से अच्छे से प्रेस करो, हार्ड प्रेस करो फोर्थ फिंगर से। हाँ राइट हैंड स्ट्रिंग के ऊपर तो नहीं आ रहा ना, राइट हैंड स्ट्रिंग के ऊपर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर ना आए, बस ब्रिज पे रहे, इतना भी ध्यान रखना है बस। और फिर जब भी साउंड नहीं आ रही तो लेफ्ट हैंड पे ज्यादा होएगा। और मेरी बात सुनो, अभी लेफ्ट हैंड है ना हमारी, क्या होता है कि हम लेफ्ट हैंड कम यूज करते हैं अपनी डेली रूटीन में, इसलिए ये जो लेफ्ट हैंड है वो वीक होता है। ठीक है, और यहाँ गिटार में क्या करना है, हम फिंगर्स को यूज कर रहे हैं जो कितनी वीक होएंगी। ठीक है, स्पेशली ये लास्ट टू, थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर और लिटल फिंगर, ये वीक होती हैं, इसलिए ये एक्सरसाइज दी जाती है ताकि ये फिंगर्स अच्छे से इस पे जब चल चल के इसमें प्रेशर बना के उस पे, है ना, तो ये नोट को अच्छे से इजिली प्ले कर सके, इसलिए ये एक्सरसाइज है 1 2 3 4 की। ठीक है, तो ये टू फिंगर वीक होती है, इनमें ज्यादा थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज, ये जो लाइन बनी हुई है ना फ्रेट बोर्ड की, ये लाइन जो है इसके पास अगर फिंगर रखोगे तो थोड़ा कम प्रेस करना पड़ेगा, अगर इससे पीछे करके रखोगे तो फिर थोड़ा ज्यादा प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो लेकिन लाइन के ऊपर नहीं ले आनी फिंगर, फिर भी म्यूट हो जाएगा, लाइन से थोड़ा पीछे रखना है, बस पास में रखना है लाइन। हाँ, और थोड़ा हार्ड प्रेस करना है।
हाँ ठीक आ रहा है। हाँ यस वेरी गुड। ठीक है समझ आया ना अभी क्या करना क्या है बेसिक समझ आ गया ना। तो ऐसे ही जैसे हम फर्स्ट स्ट्रिंग पे यस चलाएंगे उसके बाद हम सेकंड पे चले यस जाएंगे। कुछ भी नहीं है सेम फिंगर्स हैं सेम इधर से भी डाउन अप करना है बस स्ट्रिंग चेंज हुई है। फिर थर्ड पे चले जाना है फिर फोर्थ पे फिर फिफ्थ पे फिर सिक्स्थ पे और स्लो प्रैक्टिस करना है। हमने स्पीड की तरफ नहीं भागना पहले पहले हमने क्लैरिटी की तरफ भागना है। हमारे नोट्स जब ओके आना शुरू होंगे ना सारे सारे नोट्स जब अच्छे से क्लियर आना स्टार्ट हो जाएंगे तो स्पीड अपने आप ही बढ़ सर जाएगी। क्या हुआ? सर आवाज नहीं आ रही थी आपकी पहले। ओके तो थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क का ही फिर से हो गया हो कुछ। मैं ये कह रहा हूं कि हमने स्पीड की तरफ नहीं भागना हमने क्लैरिटी की तरफ भागना है। जितना ज्यादा क्लियर साउंड रखोगे उतना अच्छा है स्पीड अपने आप आ जाएगी। ये अब जैसे यही एक्सरसाइज है इसको जब डेली तुम प्रैक्टिस करोगे तो इसमें स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना तो ऐसे स्पीड अपने आप ही बनती रहेगी जितना हम उसको प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है समझ आ गया ना यहाँ तक? सर हाँ तो ये सेकंड एक्सरसाइज रखी है हमने लेफ्ट एंड राइट जो सेकंड क्लास रखी है हमने। ठीक है तो इसको ध्यान से अच्छे से करना फिर तुम्हें बाकी का आगे समझाया जाएगा। ठीक है। ओके सर।